बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मन्ना खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना खान ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और कल था मंगलवार और मैं गया था मंगल मार्केट में, तो आज मैं आप लोगों को वही वीडियो दिखाने वाला हूँ। और सही कहूँ तो मंगलवार के दिन वहाँ पे मार्केट में जाने में मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन भीड़ ना के बराबर थी। रियली कह रहा हूँ, बस दुकानें थी तो दुकानों में भी जो सामान था ठंडी वाला, मैं गया था वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ पर ठंडी का क्या क्या सामान मिल रहा है और क्या क्या लेने लायक है इस तरह से। तो क्योंकि मंगलवार के दिन जानते ही वहाँ पे जो मार्केट लगता है वहाँ पे काफ़ी सस्ता सामान मिल जाता है, तो मैं गया था वही देखने के लिए। तो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जो दुकानें भी थी वो भी अभी ना के बराबर ही लगी थी। हो सकता है अभी ठंडी का माल ना आया हो, या फिर जो माल था वो भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा पिछले साल का माल है। जानते ही हैं हर दुकान वाले यही करते हैं, सबकी जो पुराना माल होता है वो पहले लगाते हैं। और रेट की बात कहूँ तो रेट भी थोड़ा सा मुझे हाई था, क्योंकि जो चीज़ 200 की मिलती थी वो इस समय 350 बता रहे थे लोग। हो सकता है कि वहाँ पे जानते हैं ये भी है कि जो रेट वो लोग बोलते हैं उस रेट पे तो वो मिलता नहीं है सामान, वहाँ पे मोल तोल होता है। तो ये लोग भी समझ गए हैं कि नहीं, बंदा सामने वाला मोल तोल कराएगा, तो इसलिए थोड़े से रेट पहले ही हाई कर दो कि 50 रुपये छोड़ाएगा तो 50 रुपया इधर से अधिक बोल देते हैं। तो अगर आप भी जाइएगा तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको अगर वो सामान 200 का बोल रहे हैं तो आपको सीधे 50 रुपये 75 रुपये ऐसे ही बोलना है, क्योंकि सीधे आधा करके भी उससे भी कम बोलिएगा, क्योंकि वहाँ पे रेट का बहुत ही समय हाई चल रहा है। और मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में भीड़ ना के बराबर थी। हो सकता है कि अभी छठ पूजा थी तो छठ पूजा के अगले ही दिन मैं वहाँ पे गया था, तो हो सकता है मार्केट में भीड़ नहीं थी इस वजह से भी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। और लेकिन ये तो श्योर है कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी वहाँ पे और ज़्यादा आप लोगों को माल देखने को मिल जाएगा। और सॉरी इस नॉइज़ के लिए, पीछे ट्रेन जा रही है तो थोड़ा सा हॉर्न सुनाई दे रहा होगा। तो खैर चलते हैं हम लोग मार्केट में, मैं आप लोगों को मार्केट दिखा देता हूँ। और मार्केट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर ओवर वॉइस नहीं की है, जैसे कि अलग से आवाज़ नहीं डाला है, जो मार्केट की आवाज़ है वही डाला है। क्योंकि मार्केट में जब मैं जहाँ पर भी गया था वहाँ पर लोग रेट भी बोल रहे थे, तो वो रेट भी साथ साथ रिकॉर्ड हुआ है, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। और जहाँ पे नहीं रिकॉर्ड है वहाँ पे मैंने बोल भी दिया है वहाँ पे उनसे पूछ के। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैंने ज़्यादा नहीं 20 ही रखा है, तो उम्मीद है आप लोग इसे 20 लाइक देंगे। तो चलते हैं। हाँ बस और क्या है, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं? पैसा चाची कैसे भाई, कैसे बा रेटो बता दी, रेटो 650 के दोनों? नहीं नहीं बस पूछ रहे हैं। ये कौन है, हैं? देखिए हाथ लग गया बेबी। ये 100 का 4 है भाई, चलिए कार्ड हो जाएंगे। अब बीपी कहाँ गई? ये
जो देख रहे हैं ये 950 का है, ये 1350, इसमें और भी रेट है कि सब वही है? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, उतना ही से लोग को पता चल जाता है ना। जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए। अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं मार्केट में और यहाँ पे कुछ खास भीड़ है नहीं, लेकिन फिर भी देख ही रहे हैं यहाँ पे कुछ खास भीड़ है नहीं, देख ही रहे हैं मार्केट में। काफी शांति है अभी, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी ठंड बढ़ जाएगी तो हो सकता है यहाँ पे और ज़्यादा माल देखने को मिले। माल तो बहुत है लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ पुराना माल है, तो इस वजह से मैं अभी तो रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हो सकता है कि एक हफ्ते बाद आप अगली बार जब आएंगे तो हो सकता है कि आप लोग को और बेटर मतलब एक्सपीरियंस हो और ये अच्छा मतलब माल मिल जाएगा। और भीड़ की बात करें तो मेरे पीछे देख ही सकते हैं, मतलब काफ़ी शांत शांत सा है। चलते हैं, मैं और आगे आपको दिखाता हूँ कि और यहाँ पे क्या क्या है, कैसा है। और काफ़ी दुकानें भी बहुत कम लगी हैं, तो हो सकता है कि अभी अब दुकानें लगना स्टार्ट भी हो रही हैं, तो हो सकता है कि अब हो सकता है मैं ही थोड़ा पहले आ गया हूँ। और अभी समय हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो देखते हैं और यहाँ पे कुछ देर मैं रुकूँगा, तो देखते हैं कि और कितना भीड़ होता है और क्या क्या सामान और मिलता है। मैं आप लोग को आगे और दिखाता हूँ। कितना रेट बताया इसका, कितना बताया भैया? 280 इसका बता रहे हैं। 250 का पड़ेगा, 250 का मिल जाएगा। और जो हवाई चप्पल है वो 100 रुपए चप्पल, 280 भैया, 250 लास्ट। ये वाला कितना का बताया? 150 का एक। ये पतला वाला, ये हाफ स्लीव है, 150 में 2 है। ₹100 में ये सब मिल रहा है, देख ही रहे हैं। देख ही रहे हैं पीछे, काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत है, पिछली बार की तरह नहीं है कि भीड़ थोड़ी हो, लेकिन देखते हैं और आगे कि आगे क्या रह रहा है। यहाँ पे भी देख ही रहे हैं पूरा का पूरा सेल एकदम शांत शांत सा है।
अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पीछे तो मार्केट था, यहाँ पे जस्टिस के आगे पूरा मार्केट ही है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और रियली कहूँ तो अभी अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन आपको अभी नया माल नहीं दिखेगा। जो भी है अभी हमको लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पुराना ही वाला भी है और वही निकाल कर वहाँ पे सेल में लगाया गया है और वही सब बेचा जा रहा है। और आज भीड़ की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा ही वीडियो में मतलब ना के बराबर भीड़ है। जितना रहता है उसका लगभग मुझे लग रहा है केवल 30-40% भीड़ थी। ये भी नहीं है कि 60-70% जिस तरह हमेशा लगता है वैसा नहीं था कुछ। तो आप आना चाहते हैं तो आगे देख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको जो मिलने वाला है वो सब मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अभी बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।